नमस्ते गाइस, दिस इज अजय और कल लॉन्च होने वाला है Vivo V7 प्लस और V7 स्मार्टफोन 24 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा इसकी USP रहेगी। तो चलिए गाइस देखते हैं इसके प्राइसिंग क्या हो सकता है, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और किस किस फोन की लगने वाली है जब ये कल लॉन्च हो जाएगा बॉम्बे में। सो गाइस पहले Vivo V7 प्लस की बात करें जिसके स्पेक्स काफी ज्यादा मार्केट में लीक हो चुके हैं। तो इसमें कहा जा रहा है 6GB रैम रहेगी, स्नैपड्रैगन 652 प्रोसेसर रहेगा जो कि 8 कोर का प्रोसेसर है, 5.5 इंच फुल HD डिस्प्ले रहेगा। और गाइस इसमें कहा जा रहा है जैसा कि हमने LG Q6 में देखा, माइक्रोमैक्स कैमरास इन्फिनिटी में देखा, एक एच टू एच डिस्प्ले मिलेगा यानी फ्रंट में बीजल काफ़ी कम होगी, एक बड़ा डिस्प्ले विच एड्स योर गेमिंग एंड वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस वो मिलने वाला है। साथ ही साथ फ्रंट फेसिंग 24 मेगापिक्सल कैमरा और एंड्रॉइड नोगा पे ये फोन रन करेगा। सो गाइस इंटरेस्टिंग है 24 मेगापिक्सल का कैमरा इस रेंज में, इनफैक्ट किसी भी प्राइस पॉइंट पे, इवन 70,000 के प्राइस पॉइंट पे जहाँ सैमसंग गैलेक्सी और आईफोन खेलते हैं, वी हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ फ्रंट फेसिंग कैमरा। और वीवो और ओप्पो के USP हमेशा से कैमरा ही रहा है, तो एक नई ये ट्रेडमार्क नया ट्रेंड होगा कि 24 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा। और अगर इसके कंपटीशन की बात करें तो OnePlus 3T अभी भी मार्केट में बिक रहा है 27,000 के प्राइस पॉइंट के अराउंड, तो वो इसके हार्डवेयर को तो आराम से मैच कर सकता है। लेकिन अगेन कैमरा फ्रंट फेसिंग 16 मेगापिक्सल है OnePlus 3T में जो कि Vivo के कैमरे को आई डोंट थिंक मैच कर पाएगा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं Vivo V7 कैमरा उसमें भी 24 मेगापिक्सल रहेगा, एंड्रॉइड नोगा रहेगा, मेटालिक बॉडी रहेगी और एच टू एच डिस्प्ले रहने वाला है। लेकिन इसका प्राइस पॉइंट ये लोग 19,000 के अराउंड रखेंगे, तो थोड़े से हार्डवेयर के मामले में इसको टोन डाउन कर देंगे, लाइक 4GB रैम कर देंगे स्टोरेज पे, जहां Vivo V7 प्लस में 128GB मिलने वाली है, वहीं Vivo V7 में 64GB तक रहेगी। तो यहां पे गाइस 15,000 से 20,000 की रेंज में सैमसंग गैलेक्सी J7 प्रो अवेलेबल है जो कि रैम तो 3GB ऑफर कर रहा है लेकिन उसका कैमरा काफ़ी इंप्रेसिव है गाइस। मेगापिक्सल तो 13 ही है, पीछे की तरफ सिंगल कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, आगे की तरफ 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है, लेकिन अपर्चर साइज f1.7 है यानी अपर्चर काफ़ी बड़ा है, तो उससे कैमरा इमेजेस काफ़ी अच्छी आती हैं, अंडर लो लाइट भी नॉइस कम रहता है। तो रियर कैमरा भी वो V7 का कैसा रहेगा उस पर काफ़ी डिपेंड करता है कि ये सैमसंग गैलेक्सी J7 प्रो को कितना बीट कर पाएगा। वहीं लोअर एंड में भी इसको Xiaomi Mi A1 का लॉन्च हो गया है, Moto G5 S Plus भी लॉन्च हो गया है, हार्डवेयर के टर्म्स में आई थिंक दे आर क्वाइट कैपेबल टू गिव Vivo V7 अ टफ कॉम्पिटिशन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला होने वाला है कल गाइस लॉन्च इवेंट से, मैं सारी अपडेट्स आपको लाऊंगा क्या क्या चल रहा है और इस फोन का कंपैरिजन अदर डिवाइसेस के साथ, वो सब आप मिस ना कर दें गाइस। प्लीज मुझसे कनेक्ट हो जाइए यहाँ पे, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, I'll bring the latest updates to you. And guys, आपको सारी queries के answer कहाँ मिलेंगे, सिर्फ इसी channel पे। मैं personally आपके सारे queries जो आप comment section में comments leave करते हैं हमेशा की तरह answer करूँगा, आज भी answer करूँगा। So guys, please यहाँ पे subscribe it कीजिए, connect हो जाइए और अपने queries comment section use कीजिए, comment section में छोड़ दीजिए। This is Ajay, take care guys, signing off, over and out.